हेलो फ्रेंड्स, दिस कुशाल। वेलकम टू डी चैनल कुशाल सेंटर फॉर एक्सेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ में ईच एंड एवरी का यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ईजी है, अगर आप समझेंगे अच्छे से, मतलब कि बहुत ईजी है। दोनों का मीनिंग सेम होता है और डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है और हल्का सा थोड़ा सा है जो आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों को बहुत भारी लगता है पर आपको ये वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अच्छी आसान हो जाएगा। तो ईच का ये ईच एवरी का दोनों मतलब सेम होता है, हर कोई या प्रत्येक, ठीक है। मगर ईच में क्या होता है, ईच जो होता है इसमें टू और टू मोर देन और मोर देन टू, इसमें क्या होता है दो होते हैं या तो फिर दो थिंग या पर्सन या कुछ भी चीज, थिंग पर्सन एनिमल दो होते हैं मगर इसमें क्या दो और दो से ज्यादा भी, टू से ज्यादा भी। और एवरी में क्या होता है ओनली मोर देन टू, सिर्फ टू से ज्यादा ही होते हैं एवरी में, ठीक है। अब आप देखिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि एक रूम है, एक रूम है उसमें क्या है, एक रूम है उसमें दो बॉयज रहते हैं, ठीक है। एक रूम है उसमें दो बॉयज रहते हैं, अगर हम एक एग्जांपल ये ले इसके हिसाब से, यानी कि एक बॉयज में जो दो रूम रहते हैं इसके हिसाब से अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि ईच बॉयज हैज अ पेन, या हम कहें कि एवरी बॉयज हैज अ पेन, तो इसमें करेक्ट क्या होगा, क्योंकि इसमें यहां आप ये लिखा हुआ है, आप बताइए कि दो एक रूम है जिसमें दो बॉयज हैं, ठीक है, दो बॉयज हैं, तो यहां लिखा हुआ है कौन सा सही हो सकता है बताइए। इसमें तो आपका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आंसर है इसका ये वाला, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि टू और मोर देन टू, और इसमें दो भी होते हैं, उसमें तो दो ही बॉयज थे ना उस रूम में, तो लेकिन इसमें तो क्या दो से ज्यादा की बात होती है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लो लेते हैं, एक रूम में दो से ज्यादा बॉयज थे, मोर देन टू। अब इसमें अगर हम बात करें उनके पास, दोनों के पास हैज अ पेन, एक एक पेन है वही, तो इसमें सही कौन सा होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही। क्यों होगा ये भी सही, क्योंकि मोर देन टू है इसमें भी मोर देन टू है, तो मोर देन टू बॉयज है तो इसलिए सबके पास क्या होगा, एक एक पेन होगा। तो दोनों में ही क्या होता है, मोर देन टू में ईच एवरी दोनों ही यूज होते हैं, मगर दो के लिए, सिर्फ दो की जहां बात हो रही है वहां ईच ही होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो ईच एंड एवरी का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।